एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज मैं आपके साथ एक वायरल टेक्निक शेयर करने जा रही हूँ, जो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा हॉरिबल भी था, बट आई डोंट नो ये कैसा वर्क करेगा। अब कैसा वर्क कर रहा है मैं आपको खुद यूज़ करके ना बताती हूँ। ये एक्चुअली वायरल ब्लश टेक्निक है। मैं इस टेस्ट में पास कर पाऊँगी कि नहीं, काफ़ी ज़्यादा रेडिश टाइप का मतलब लिपस्टिक अप्लाई करना है। अब मैंने ऐसा कुछ कभी ट्राई नहीं किया है कि लिपस्टिक पूरा फेस में अप्लाई करके वो फ्लॉरेस मेकअप दे या आपके एप्पल ऑफ चिक को एकदम पूरा पिंकिश कर दे। लेट्स ट्राई, अब देखते हैं करके। इससे पहले मैंने जो जो लगाया है ना, उसका क्लिप हट गया था, सॉरी गाइस। आप देख लो, मैं से बता दे रही हूँ आपको। पहले बता देती हूँ कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ किया, उसके बाद मैं ये से कंटिन्यू करती हूँ। सबसे पहले मैंने कुकुम्बर का ग्लो टोनर यूज़ किया, जो गुड वाइब्स का है। गुड वाइब्स के प्रोडक्ट काफ़ी अफोर्डेबल और स्किन फ्रेंडली होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्किन को नरिशिंग करते हैं और गर्मी के लिए तो काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग आपकी स्किन को कर देता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सेम गुड वाइब्स का ही रोज़ हिप सीरम यूज़ किया था। आपको सारा लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये मैलियो का क्रीम यूज़ किया है बेस फाउंडेशन। ये देखिए, आप कोई भी फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं देखना चाहती हूँ कि मैं लो कवरेज का फाउंडेशन चलता है या हाई कवरेज का, लास्ट में बताऊँगी आपको, क्योंकि मैं अभी खुद भी इसे टेस्ट कर रही हूँ। इसमें यहाँ पे मैलियो का कलर मैच लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन बेस मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने काउंटरिंग के लिए, ये देखिए, काउंटरिंग के लिए मैंने इस पैलेट को यूज़ किया है। इसका ढक्कन नीचे कहीं गिर गया है। आपके पास कोई भी काउंटरिंग का अगर स्टिक भी है ना, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये सिर्फ काउंटरिंग का पैलेट है, मैं इसको यूज़ करती हूँ। और ज़्यादा और डार्क ब्राउन के लिए मैं यहाँ पे आई शेडो का ब्राउन कलर को भी यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी। पहले जो क्लिप दिखाया था ना, उसे मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई किया। आप कोई भी लिपस्टिक ले सकते हो, अपने पसंद का ब्रांड का। आप रेड कलर ही अप्लाई करना बट। और उसके बाद मैंने यहाँ पे हुडा ब्यूटी का ब्यूटी ब्लेंडर लिया, उसे मैं पूरे फेस में अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ लिपस्टिक को। और जब आप लिक्विड यूज़ करती हो ना लिप कलर, तो आप उसे ना ज़्यादा देर तक छोड़ना मत, क्योंकि वो जमने लग जाता है। इस तरह से मैंने पूरा अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं यहाँ पे दूसरे पार्ट से का पार्ट तो पूरा रेड हो गया, ये देखिए। अब मैं इस साइड के पार्ट से इसे ब्लेंड करना स्टार्ट करती हूँ, ताकि जो रिजल्ट है वो आप देख सकें। हो जाएगा, अभी काफ़ी रेड दिख रहा है। अब मैं क्रीम को, सॉरी फाउंडेशन को मैं यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ, बट फेस ब्लेंड होने के बाद भी ना रेड रेड टाइप का लग रहा है। अब लेट्स सी आगे क्या होता है। इसके पास जो मैंने काउंटरिंग किया था ना, मैं उसे फिंगर के हेल्प से मिलाती हूँ और बाकी जगह ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से। आई थिंक मुझे फाउंडेशन फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ा सा फाउंडेशन मैं फिर से अप्लाई करती हूँ, उसके बाद फिर से मिलाऊंगी इसे। बस मैंने दो पंप लिया है। इसमें थोड़ा सा ना मीडियम कवरेज का अगर फाउंडेशन आपके पास है ना, तो वो चल सकता है। बहुत ज़्यादा लाइट कवरेज का अगर फाउंडेशन है ना, तो वो नहीं चलेगा। इस रेड कलर को ना अच्छे से मतलब ब्लेंड नहीं कर पाएगा इसके साथ। अब लेट्स सी, दोबारा फाउंडेशन अप्लाई करना पड़ा। अब देख ही लिए, अब देखते हैं कवर होता है या नहीं। मैं आपके साथ ना बिल्कुल जो भी रियल होगा ना, मैं आपके साथ वही शेयर करूंगी कि ये कवर होता है या नहीं होता है। ये देखिए, मैंने अपना फाउंडेशन जो है ना, उसे मैंने अच्छे से ब्लेंड आउट कर लिया है, बट फेस ना बिल्कुल मतलब हल्का रेड रेड लग रहा है। ये देखिए, यहाँ पर भी ना बिल्कुल रेड रेड टाइप का लग रहा है। अब कैमरे पे तो थोड़ा कम भी पता चल रहा हो, रेड रेड लग रहा है फेस एकदम। बट हाँ, ये एरिया थोड़ा पिंकिश टाइप का लग रहा है, और नोज़ का एरिया ये देखिए एप्पल ऑफ द चिक इस टाइप का लग रहा है कुछ। अब इसमें मैं ना थोड़ा सा फाउंडेशन और यूज़ करती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। मैं थोड़ा सा फाउंडेशन और अप्लाई कर लिया, अब इसे ब्लेंड करती हूँ। इस एरिया को रहने दे रहे हैं, हल्का हल्का खाली कवर कर रहे हैं। अब जब दोबारा से फिर से फाउंडेशन लगाया ना, तब जाके कवर हुआ। ये देखिए गाइस, ब्लेंड होने के बाद ये कुछ इस तरीका से है। इस पार्ट को मैंने उस स्टार्टिंग में ब्लेंड किया था, उस टाइम जब मैंने फाउंडेशन लगाया ना, तो मैं सिर्फ इस एरिया को और इस एरिया को कवर की थी। ये देखिए, आई थिंक दिस टेक्निक रियली वर्क्स। उस समय तो मैं बिल्कुल, मुझे लग रहा था कि ब्लेंड ही नहीं होगा, पूरा फेस रेड रेड लग रहा था एकदम, बहुत अजीब सा लग रहा था। बट अब जब ब्लेंड हो गया है ना, तो आपको रूज लाइन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इस एरिया को, रियली इट्स लुकिंग रेड रेड। ये देखिए, अब मैं पूरे मेकअप को फिनिश कर लेती हूँ जल्दी जल्दी।
फेस पाउडर से ना अपने मेकअप को सेट कर ले रही हूँ। यहाँ पे मैं ओरिफ्लेम का फेस पाउडर यूज़ कर रही हूँ, आपको जो भी पसंद है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे आईब्रो फिलिंग के लिए एक सिंपल से एडीएस का पेंसिल है मैंने उसी से कर लिया है। और यहाँ पे मैं हुडा ब्यूटी का पैलेट यूज़ कर रही हूँ, जिसे मैंने ब्राउन कलर को एज अ ट्रांजेक्शन और आउटर वी के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, और पिंक कलर को मैंने एज अपने आई लीड्स के लिए मैंने यूज़ किया। और मैं मेकअप जो है ना आई का बहुत ही लाइट रख रही हूँ। और यहाँ रॉन्जिल कॉस्मेटिक का मेटालिक ग्लिटर कलर है, मैं उसे यहाँ पर अप्लाई करने वाली हूँ। अपने थोड़े से नीचे लोअर लैश लाइन में भी अप्लाई करूँगी सेम ग्लिटर कलर को। और इसका रिव्यू भी ना बहुत जल्दी मेरे चैनल पे आने वाला, आप चाहो तो देख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हेटेड विथ लव का जो SRF का है आई शेडो पैलेट, मैं उसे पिंक कलर को नीचे में अप्लाई कर रही हूँ। इसका भी रिव्यू मैंने कर दिया, चैनल पे अपलोडेड है, इफ़ यू वांट आप देख सकते हैं। और वेट एंड वाइल्ड का मैं मेगा ग्लो हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा हाईलाइटर है। मैं यहाँ पर ब्राउज़र लगा रही हूँ अपने काउंटरिंग पार्ट को हाईलाइट करने के लिए। सो गाइज, दिस इज़ माई फाइनल लुक। कोई भी रूज अप्लाई नहीं किया, जो पहले ही रेड लिपस्टिक लगाया था वही सेम लिपस्टिक मैंने यहाँ पे अप्लाई भी किया, ये देखिए। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। कुछ मेकअप मैंने ऑफ कैमरा किया है, ये देखिए। मैंने यहाँ पे कोई फॉल्स लैसेस आज यूज़ नहीं किया है, सिर्फ मस्करा यूज़ की थी। और भी मस्करा मुझे बहुत ज़्यादा यूज़ करना पसंद नहीं है, इसलिए मैं बहुत लाइट मस्करा यूज़ करती हूँ। आप चाहो तो डार्क यूज़ कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा घना घना लगता है आपका आई लैशेस। और मेरा तो खाना है भी नहीं, बट मैं अभी आज फेक लैसेस यूज़ नहीं की थी। मैंने सोचा आज थोड़ा सा नेचुरल टाइप का ग्लोई मेकअप टाइप का ट्राई करते हैं, क्योंकि जब हैक कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट करके देखते हैं। आई मेकअप आई डोंट नो अच्छा लग रहा है आपको कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मुझे लगा काफ़ी वियर्ड सा हो गया, कैसा फेस पूरा रेड रेड हो गया, आई डोंट नो ये ठीक होगा अभी कि नहीं होगा। बट आप देख सकते हो मेरा ब्लश कितना क्यूट सा लग रहा है, अच्छा सा लग रहा है। अगर आपको ये अच्छा लगा ना तो प्लीज़ थम्स अप, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ऐसे और बहुत सारे ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए। बाय, सी यू अगेन विद सम इंटरेस्टिंग हॉल्स मेकअप वीडियोस आपके लिए बहुत सारे आने वाले हैं।